एक बार टॉर्च लाओ। टॉर्च लाऊं? अबे सुनने के बाद भी पूछा क्यों है? टॉर्च ला। अभी इतना अंधेरा आएगा ना, दिख नहीं रहा है। अरे अंधेरे में सुनता भी नहीं है क्या तेरे को? टॉर्च ला। अरे अबे ये टॉर्च क्यों नहीं चल रहा है? बेटे तू दबा रही है, मुझे क्या बताया? मेरी बैटरी नहीं ले आ गया। टॉर्च लाने को कहा था, बैटरी लाने को कहाँ कहा था? कार लाने के लिए बोलेगा तो दया नहीं लाएगा क्या? एहतियातन बोल देना चाहिए ना वैसे भी। चला लाइटर है तेरे पास? लाइटर नहीं फाइटर रहेगा ना। हैंड्स अप, मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चा मेरा नहीं है। अबे क्या बात कर रहा तू? ये तो कॉमेडी सर्कस का सेट है यार। अरे अल्लाह कसम, बिल्कुल सही बोल रहा है बिल्डर भाई। वो सामने एक और बिल्डर बैठा है, देख। अपने सोहेल भाई यार, सोहेल। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाजू वाली की बात कर रहा हूँ भाई। डोले देख, उसके 1.5-2 किलो कीमा तो नाश्ते में बिना डकारे खा जाती होगी भाई पहलवान। वो अर्चना है यार। अबे हाँ। जी हाँ, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। ये कौन है भाई? आपा जी। आपा? आपा जी, आपके घुटने देख कर ना मुझे पायों का सूप की बड़ी याद आ रही है, बड़ी अल्लाह का कह रहा हूँ। वेलकम टू द शो, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुनील शेट्टी के लिए। लूट 4 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, एक एक्शन कॉमेडी है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस खास करके जावेद भाई और चीची भैया का। लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोड्यूसर भी हूँ और फॉर द फर्स्ट टाइम एक्टिंग भी कर रहा हूँ फिल्म में। थैंक यू। थैंक यू। आज हर जोड़ी किसी ऐसी स्क्रिप्ट पर अपने जलवे दिखाएगी जिस पर कोई दूसरी जोड़ी पहले ही कमाल के जौहर दिखा चुकी है। बेचो तो जाने स्पेशल में मंत्रा ने अपनी स्क्रिप्ट बेचकर जजेस की वाहवाही कैसे खरीदी थी, चलिए उस पे एक नजर डालते हैं। मुझे ना कॉमेडी स्क्रिप्ट चाहिए। हाँ, जिसमें ना पंचेस हो, सटायर हो, अटायर हो, मैसेज हो। देखो एक बात होता है, कॉमेडी सर्कस की स्क्रिप्ट चाहिए 3 इडियट्स की? ये ऐसे लोग होते हैं, इनको काम करना टॉम क्रूज के साथ और तकिए के नीचे रवि किशन का फोटो रखे घूमती रहती है। Please welcome Krishna as comedy circus writer and Sudesh as various characters. Archana ji, 10 ka chutta milega? Nahi, Sohel bhai, 10 ka chutta milega? Nahi, to fir judgment chhod ke meri tarah writer ko nahi ban jate aap log? Main hu is show ka writer, Naraj Shandhila. Ye, sale izzat baad mein de, pehle baat to karne de mere ko. Maine is show mein hazaron scripts likhi hain. 3-4 स्क्रिप्ट एक्टरों ने परफॉर्म भी की है। कृष्णा को स्टार किसने बनाया? कपिल को स्टार किसने बनाया? सुदेश को स्टार किसने बनाया? ये सुरेंद्र को स्टार किसने बनाया? ये पूछ रहा हूं किसने बनाया, मिलेगा तो मारूंगा चले को। तो रस्ते से आ रहा था मैं, अर्चना जी, एक बाबूजी मिले मेरे को, कहते भाई साहब 1000 का छुट्टा मिलेगा। मैंने बोला फूटी घोड़ी नहीं है, लेकिन एक राइटर से 1000 का छुट्टा मांग के आपने उसकी इज्जत जरूर बढ़ाई। बाद में 10 रुपए लिए मैंने उससे घर जाने के, वो बात अलग है, रस्ते में बड़ा पाव खाया, घर तो मैं पैदल ही गया। अर्चना जी, ये वाला पंच आपने पहले सुना है ना? कुछ नया चाहिए ना अभी? साला 10 रुपए का छुट्टा नहीं है जेब में, नए नए पंच चाहिए आपको। हेलो सुनील सर, सर आपकी फिल्म आ रही है लूट, जोरदार तालियां। इस फिल्म में मेरे मामा जी भी हैं गोविंदा जी, और हम सब लोग दुआ करेंगे फिल्म सुपर हिट हो, एक और तालियां। भाई भाई, हमको बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं ना इधर फिल्म को प्रमोट करने, ये अच्छी बात है कि फ्री में आते हैं, पैसे नहीं लेते। और आज तो जावेद भाई का नाम जस्टिफाई भी हो गया, जावेद जाफरी। जावेद जाफरी। खैर, मैं अपनी फिल्म की कहानी सुनाने के लिए जाने वाला हूँ आज फेंकता कपूर के पास। ओह गॉश, बहुत सारी फिल्में बना रही है वो आजकल, देखते हैं मेरी फिल्म ले ले बस एक बार ऊपर वाले की दया हो जाए। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मैं फेंकता कपूर के पास अपनी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ बाबा। मैं बाबा बोबा नहीं हूँ। हाँ, मैं ही फेंकता कपूर हूँ। आप फेंकता कपूर हो? शकल और बॉडी से तो आप ऋषि कपूर लग रहे हो। ऋषि कपूर लग रही हूँ? जब मेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ जाती है तो मैं रणबीर कपूर भी लगती हूँ।
अच्छा मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, उसको मिलना चाहता था। एक काम करता हूँ, मैं 3-4 दिन बाद आता हूँ जब दाढ़ी बढ़ जाएगी। Shut up, shut up, shut up, shut up. मैडम ये क्या कर रही हैं आप, जब होता नहीं तो नहीं करने का ना ऐसा। चलो स्टोरी सुनाओ। किस तरीके की स्टोरी चाहिए मैडम? जैसे मेरे सीरियल होते हैं, देखते हो ना? अरे जरूर देखते, कौन नहीं देखता मैडम, कमाल करती हैं आप। बताइए आप इतनी सारी एक जैसी स्टोरीज लाती कहाँ से? अर्चना जी हाँ। ये पंच में पहले एक बार बोल चुका हूँ हाँ। कुछ नया चाहिए ना अभी हाँ। 10 रुपए का छुट्टा नहीं है जेब में हाँ। नहीं नहीं पंच सुनना चाहती है। पहले तुमने कोई सीरियल वगैरह लिखा? हाँ मैडम एक शो लिखता हूँ मैं, कॉमेडी सर्कस, 4 साल से लिख रहा हूँ। तो अभी तक लिखना नहीं आया? शर्म नहीं आती तुमको? अरे कॉमेडी सर्कस तो मुझे अच्छा ही लगता। अच्छा 4 सालों में मैंने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। अरे करते क्या हो तुम, सिर्फ हंसाते हो लोगों को है? लोगों की पेट दर्द होती है हंस के, बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोग। क्या होता है उसमें, ना रोना ना धोना ना सास ना बहू। ये एक जलंधर से फूफा लाके बिठा दिया, एक बॉम्बे से टिंकू। स्टोरी सुनो। एक मिनट लैपटॉप खोल लूं मैडम? हाँ खोल लो। आजकल लैपटॉप का जमाना आ गया, क्या करे, पहले ऐसे ऐसे लिखते थे लोग। ये क्या कर रहे हैं? लैपटॉप खोल रहा हूँ, अंदर से खराब हो गया मैडम, पूछा था ना आपसे। ये पागल है तू? अरे अच्छा एक मिनट हो गया। तो मैडम फिल्म की कहानी शुरू होती है। मैडम फिल्म की शुरुआत में ना क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स शुरू में डाल दिया तूने? आजकल पूरी पिक्चर कौन देखता है मैडम? और वैसे भी हमारे जजेस कहते हैं कि स्क्रिप्ट का एंड हमेशा ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैं क्लाइमेक्स को ऊपर ही लेकर आया। हाँ चलो सर। बहुत ग्रेंजर है मैडम फिल्म में, हेलीकॉप्टर आ रहा है, सूर्य उदय हुआ है। वाह। ये हेलीकॉप्टर आता है और अमरूद के पेड़ से टकरा जाता है और हीरो हीरोइन मर जाता है। ये शुरू में हीरो हीरोइन मर गए, तुम हेलीकॉप्टर में क्यों लेके आ रहे हो उनको? नहीं नहीं वो तो अमरूद के पेड़ पे बैठे हैं ना मैडम, आप भी ना। अमरूद के पेड़ पे हीरो हीरोइन क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो? अरे हीरो हीरोइन है, उनका मूड हो गया होगा एप्पल खाने का तो जाकर बैठ गए उधर। अमरूद के पेड़ पे जाके सेब कैसे कैसे आ गया, कहां से आ गया? हीरो अपने घर से लेकर आया था ना सेब, आप भी ना मैडम। अच्छा घर पे मुर्गी ने सेब दिया, हीरो लेकर आ गया, हीरोइन को खिलाया जा रहा। क्या बकवास कर रहे हो, मुर्गी थोड़ी सेब देती है। अरे हीरो की माँ का नाम है मुर्गी। अच्छा अच्छा कॉमेडी, कॉमेडी मतलब उसके बाप का नाम मुर्गा होगा? नहीं नहीं उसका बाप है चूहा है? आप तो जानती है मैडम आजकल फिल्मों में कितना चूहियापा चल रहा है। ओ तेरा दिमाग खराब है, क्या कर रहा तू? चल। आज लूट की प्रमोशन है, चीची मामा नहीं आए आज? हेलो हाँ चीची मामा। अरे सुनील भाई है, जावेद भाई आप आए नहीं प्रमोशन के लिए? अच्छा अच्छा ओके ओके, कह रहे मैंने अच्छी एक्टिंग की, मुझे प्रमोशन की जरूरत नहीं है। सॉरी साहब मैंने नहीं बोला जावेद भाई, चीची मामा ने बोला, उनको भड़कना मेरे पे। एक और प्रोड्यूसर के पास जाना है मेरे को, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ये बीआर फिल्म्स है, मेरे को यश खोपड़ा जी से मिलना है सर। मेरे को सर एक बार प्लीज मिलवा दो यश खोपड़ा जी से सर। ओ साहब नहीं मिलवाने गए तो कोई बात नहीं, मलयाली में गाली नहीं देने का। भाड़ के लिए मैं हूँ। अच्छा आप ही हैं? सर यू आर सर मैं राइटर हूँ, आपने मेरे को बुलाया था ना फिल्म के नरेशन के लिए साहब। आप ही ने मेरे को फोन किया था सर कल। हाँ पहले तो मेरे को लगा मेरे डैडी का फोन आया है, और बात करते करते उनकी जबान टेबल फैन के अंदर फंस गई है, बाद में पता चला आप। हाँ स्टाइल है सर, बहुत बढ़िया स्टाइल है। मैं तो बोलता हूँ सर आप अरेबिक फिल्मों में डबिंग क्यों नहीं करते, बहुत पैसा कमाएंगे। ऐसा आप आपको फिल्म की कहानी का नरेशन दूँ? हाँ सब पिक्चर चालू होती है, सबसे पहले हम दिखाएंगे अपना पंजाब। सरसों के खेत, मक्की रोटी, सरसों के खेत, और बीच में से हीरो साइकिल के ऊपर आ रहा है। नहीं सर स्पीड ब्रेकर नहीं है, खाली जगह है, उसमें साइकिल पे आ रहा है। और वो हीरोइन के पास आता है साहब, और आते ही बोलता है धाम।
समझ नहीं आई। अरे सर आप हीरो हैं पिक्चर के। हम आपको लॉन्च करेंगे सर। मुझे शर्माने दे पहले। घाट भी दे। बड़े बेसी है। बड़े जजी सुन का मन छठ बुरा मत मानना, आजकल क्या स्क्रिप्टें चोरी हो जाती है, इसलिए हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत अब्रप्ट एंडिंग लगी ना आपको, मेरे को मालूम है कुछ नया होना चाहिए था ना। अरे जेब में 10 रुपए का छुट्टा नहीं है। नहीं नहीं एंड चाहिए आपको इसी पे। हंसो आप इसी पे। ओह माय गॉड। अर्चना आप बताइए। 10 रुपए का छुट्टा नहीं है, वाकई में नहीं है। आप लोगों को कड़क कड़क 100, 1000 और 10,000 के नोट डालने चाहिए। बोथ ऑफ यू अ फैबुलस फैबुलस जॉब। सुहेल बस उसके पेट दुख गया यार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम I have laughed my guts out. Thank you. Sunil, हमारे ये writer producer आपको कैसे लगे? कृष्णा आपने जो बंदूक चलाई मामा के कंधे से, outstanding है। आप लोग actually you should be dress designers, because आप सबके कपड़े उतार देते हो stage पे। हमें नंबर्स भी दिखा दीजिए अर्चना। 10 तो थे ही नहीं ना मेरे पास, है ना? तो फिर क्यों दूं 10? ये ही ले लो। एक मेरी बहुत विच रही है, जब सुनील सर आए थे 2-3 बार, सबने एक बार डांस जरूर किया है सर। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आपके गाने पे मैं डांस करना चाहता हूँ। सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए। हमारी फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस वाली थीम में बेवड़ा सिद्धार्थ पहली बार गया था बियर बार, और वहां कैसा चढ़ा उस पर कम सिन भारती की जवानी का खुमार। चलिए करते हैं उसका छोटा सा दीदार। दारू पिला यार। दारू? हाँ। कौन सी पिएगा? एक मिनट, मेरे को पता है। क्या? ओल्ड मॉन्क। अबे तेरे को कैसे मालूम बे? अरे मंकी जैसी शक्ल वाले को ओल्ड मॉन्क ही मांगता है। प्लीज वेलकम मंत्रा एज बेवड़ा एंड विशाखा एज बार गर्ल। आज रपट जाए। अरे कोई उठाओ ही। अबे मुझे नहीं इनको उठाओ कोई यार। मैं तो फिर भी उठ जाऊंगा, इनको उठाने में बहुत तकलीफ होती है यार। कभी कभार ऐसे ही उठ जाया करो, कपड़े अपड़े झटकने के लिए, लोगों को लगेगा स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया। चल भाई सॉरी, मैं खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। जिंदगी में बचपन से खड़ा होने की बहुत टेंशन रही है। जब पैदा हुए तो पैरों पर खड़े होने की टेंशन, ज्यादा पीली तो स्कूटर खड़ा करने की टेंशन, एक्ट के बाद आप लोगों को खड़ा करने की टेंशन। खड़ा होने के चक्कर में जिंदगी खड़खड़ा गई है यार। इसलिए संडे हो या मंडे, रोज प्योर ड्रिंक्स। सारी राइमिंग भी नहीं बैठ रही यार। ओ नमस्कार अन्ना, इंशाअल्लाह जावेद भाई। बू, बू। इनसे मैं नहीं भिड़ूंगा, ये उस्तादों के उस्ताद वहीं खड़े खड़े मार डालेंगे मेरे को। खैर सोहेल भाई के कहने पे मैं आज यहाँ लेडीज बार में आया हूँ। धोखा हुआ मेरे साथ में, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसकी जवानी चढ़ रही, इसको देख के मेरी जो चढ़ी वो सब उतर गई ना। ए सेठ, फोकट के मजे मत ले। वैसे भी आज बार में बहुत कस्टमर आए। वो देख सामने जावेद जाफरी मेरे गुरु। आज मैं जो भी कुछ है ना अपनी वजह से। ऐसे आजा तुझे दुनिया दिखाऊं। ऐसी दुनिया तो मेरे को नहीं देखनी दुनिया। इससे अच्छा मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगा। ऐसे डांस मेरे खून में है, खून में। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मुझे सब आता है।
अरे तेरा जो क्षेत्रफल है ना, महाराष्ट्र और पंजाब भी आता होगा। स्ट्रॉ से जोर से खींच ले तो बांग्लादेश और भूटान भी चले आएंगे पागल। कैसी एक बात बता, इतनी अच्छी लड़की तू, ये कहाँ इधर फंस के कहाँ? क्या बताऊँ सेठ, सुरेंद्र सैड म्यूजिक लगा। क्या बताऊँ सेठ, आखिर बार डांसर कोई ऐसे शौक से नहीं बनता, आखिर एंजॉयमेंट कोई चीज है यार। तू कुछ पिला यार, बढ़िया से कुछ पिला। क्या पिलाऊं तुझे, बोलना। एक स्ट्रॉन्ग रसना ऑन द रॉक्स। चक्रे में बॉन मिटा दूं क्या? ए बॉन, ए चल अपना काम कर, डांस सुना जैसे सुनाते हो। अच्छा मेरे लाजो को डांस देखना है, सुन। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुभने। ए बच्चे नहीं हूँ मैं, मजाक मत उड़ा तू मेरा। ऐसा कर, मैं तो एक पार्ट टाइम सेल्समैन हूँ, मैं तेरे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, वो कर देता हूँ। क्या? तेरे को ये तेल चाहिए? ये बहुत डेंजरस झदर झन्ना तेल है, इससे जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाती है, मेरी बात मान। तू सेल्समैन है? मैं सेल्समैन भी है पार्ट टाइम। अच्छा, हाँ इसे दे दे तेरे पास। नहीं, ये सैंपल पीस है तेरे लिए भाई, ट्रक में दो ड्रम भरवाए मैंने। और अगर जरूरत पड़ी तो और एक्स्ट्रा भी भिजवा दूंगा। क्या? और कुछ नहीं तेरे पास? लेडीज के लिए दे। हाँ, मेकअप का सामान दूं? मेकअप है, मेकअप है तेरे पास? एक सेकंड। हाँ? बता। ये है ना तेरे लिए, ब्रज का काम आएगा। जब घर की रौनक बढ़ाएंगे। ये क्या कर रहे हो? ये पेंट है, पेंट। हाँ तो ये पेंट है, तू एलिफेंट है। इससे तू पेंट करेगी ना मेरी बात मान, इससे दीवारों पे सीलन नहीं पड़ती, तेरे ऊपर पसीना नहीं आएगा। कुछ भी, पिछले बार ऐसे ही किया था, पेंट पूरा पपड़ी बन गया था। अच्छा, तो अगली बार उस पेंट के अंदर नमक डाल देना, पपड़ी बनेगी तो चाय के साथ खा लेंगे। के और इंटरनेशनल फ्लेवर के लिए राजमा उबाल के डाल दो, नाचोस बन जाते हैं। तेरे पास कोई ढंग की चीज नहीं है क्या? ढंग की चीज अंधेरे में, चलो तो बताऊंगा। अरे रेडियम वाली घड़ी अंधेरे में ही दिखती है वो। देख, तेरे को मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज बेचने के लिए ना थोड़ा एडवर्टाइज करना पड़ता है। इनसे पूछ, एडवर्टाइज करने के लिए सोहेल भाई का एडवर्टाइज करेंगे अपन। कौन सा वाला था वो? हाँ, अच्छे एक्ट की इज्जत करता है सोहेल बॉय। सोहेल बॉय है जहाँ, स्टैंडिंग ओवेशन है वहाँ। सोहेल बॉय सामने, अर्चना जी भी है। अर्चना जी भी निर्माणा का निर्मा। हाँ, हमारी प्यारी अर्चना, हमारी प्यारी अर्चना, फूल सी हसी सबके मन को भाए, गंदे से गंदा भी पंच फूट जाए। कपिल कृष्णा सुदेश और ठाकुर पर जीतेगा कपिल शर्मा। हमारी प्यारी अर्चना, हमारी प्यारी अर्चना, अर्चना। हमारी प्यारी अर्चना, क्या कहेंगी आप इनके बारे में? आप लोगों ने एक नया फ्लेवर दिया इस स्क्रिप्ट को। मंत्रा, आई हैव सीन मेनी मेनी वंडरफुल परफॉर्मेंसेस ऑफ योर्स, तो इससे मैं उतनी खुश नहीं हूँ, बिकॉज आपने मुझे पहले बहुत खुश किया है। सो आई एम गोना विश यू बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। सुहेल, विशाखा, विद ऑल दैट वेट, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल डांसर्स आई हैव सीन ऑन स्टेज। आई एंजॉयड द एक्ट, आई लव यू गाइस। जावेद, विशाखा, बहुत अच्छा लगा आपका काम, आई लाइक टू एंजॉय इट थॉरली, ग्रेट। थैंक यू। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? यू गाइस हैव डन वेरी वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू अलॉट। देख लेते हैं क्या मिल रहे हैं आपको आज। सोहेल 9 पॉइंट, अर्चना 8 पॉइंट। शो स्पेशल में हंसी के मास्टर चीफ बनकर कृष्णा सुदेश ने चखाया था हंसी का स्वाद। चलिए उसका एक जायका लेते हैं। ये आलू है, ये सेक्स चेंज कराया ना, इसलिए गोभी लग रही है। जैसे बॉबी डार्लिंग ऐसे गोभी डार्लिंग। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज हिमसेल्फ एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर। माँ किधर गई मेरी माँ? हाँ, शायद गुप्ता अंकल पे घर पे गई होगी। हाँ, लेकिन मैं खामा का शक कर रहा हूँ माँ पे, गुप्ता अंकल तो ऐसे हैं। I love माँ, क्या नाचती, एकदम रामचंद्र सॉलिड नाचती एकदम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। करती नहीं हूँ, पता नहीं जब भी सुल्लू को देखती हूँ निकल जाता है। अच्छा, सुल्लू? सुल्लू कौन? अरे मेरे कॉलेज का दोस्त। हाँ, सुहेल होगा दूसरों के लिए, मेरे लिए तो सुल्लू है। तुम्हें पता है
कॉलेज के दिनों में छत से कूदने के लिए तैयार था मेरे लिए। हाँ? हाँ। कहता था अगर इस मोटी के साथ मेरा नाम जोड़ा ना तो छत से कूद के मर जाऊंगा। अरे माँ, मैं गुड न्यूज देने आया हूँ। क्या? मुझे मास्टर चेफ में बुलाया है। सच? हाँ। जा बेटा, सबसे बड़ा चीफ बनकर आना। हाँ माँ। और सुन, हाँ। हर की अगर वापस आया ना तो जूतों से पिटाई करूंगी। सही सही जवाब देना। हाँ, आशीर्वाद मेरा तेरे साथ है, जा मर जाके। ओए लो, क्या सॉलिड सेट है यार एकदम। ए तोड़ो सेट, तोड़ो। ए, हमने शो बंद कर दिया है। क्यों? अरे अक्षय कुमार ठीक नहीं कर रहा था, हमने निकाल दिया। अरे लेकिन अक्षय कुमार ठीक नहीं कर रहा था ना तो मेरे को लो ना, मराठी सुपरस्टार। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ जाधव तुमचा स्वागत करतो। अक्षय कुमार 4 करोड़ लेके क्या करता था? नूडल्स बनाता था। वो नूडल्स खा के कोई टॉयलेट भी नहीं जाता था। बोले 4 करोड़ का नूडल्स है, डायरेक्ट बैंक में ही डालूंगा। चल 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 चल, ठीक है, चल मर कर। आप मेरे को होस्ट किया? अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो अर्चना जी, सुहेल भाई। अरे अर्चना जी टेंशन मत लीजिए, मैं ज्यादा पकाऊंगा नहीं। ओह माय गॉड, मेरे तो फेवरेट स्टार अक्षय कुमार का मास्टर चीफ आने वाला है। टीवी लगाती हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका मास्टर चीफ में। ओह माय गॉड, मेरे से भूत वाला सीरियल लग गया। नहीं 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 नहीं, आपने मास्टर चीफ भी लगाया, मैं आपका होस्ट हूँ। और आप जीत गई ना कॉन्टेस्ट तो मेरा ऑटोग्राफ लोगे आप पनीर पे। छी, हट, हमें अपना पनीर नहीं सड़वाना। मैं आपको सिखाऊंगा खाना बनाना। उससे पहले एक बात याद रखना, पहले गैस ऑन करना और उसके बाद तुम। ए चुप कर, गैस चालू हुई अभी? नहीं ना हुई। वो देखो ना उधर, वो रहता है, वो करना पहले। ये पहले करना। हाँ, एक मिनट, ये करना। हो गई चालू? हाँ हो गई, गैस चालू हो गई, गैस चालू हो गई। उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा, ये दूधी होती है, इससे बहुत तकलीफ होती है। मैं आपको सिखाऊंगा बैंगन का भरता कैसे बनाया जाता है। छी, एक मिनट, मुझे बैंगन अच्छे नहीं लगते। नहीं, आप एक काम करो, आप आलू को काला कलर मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अक्षय कुमार को काला कलर मारा, अच्छा दिखता है कि नहीं। अरे मैडम, ये इधर ऐसे ही होता है, इधर शो की भी प्रोड्यूसर विपुल डी शाही है। हम लोग पनीर की सब्जी बनाते है ना, तो एक टुकड़ा पनीर का लेते हैं, बाकी थर्माकोल के टुकड़े डालते हैं। अरे कितना पका रहे हो तुम, मैं चैनल चेंज करती हूँ। मुझे एक मिनट मैडम, मैं आपको वेज अंडा बनाना सिखाता हूँ। ए, कभी अंडा भी वेज होता है? अंडा नॉन वेज होता है क्योंकि मुर्गी अंडा देती है। अच्छा, मुर्गी अंडा देती है? चैनल चेंज करना ही पड़ेगा। मेरे को बहुत शरीफ लगी थी मुर्गी यार, ऐसा करते। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाथी अंडा देता है? हाथी भी कभी अंडा देता है? तुम कैसे हो गई? चैनल चेंज करूंगी। अच्छा, आपको आपको क्या सुनना है मेरे को बोलो। अभी मेरा न्यूज देखने का मूड हो रहा है। गौर से देखिए इस मूली को, कल रात फ्रिज में गाजर को अकेला पाके इसने जबरदस्ती की। इस बात का जब टमाटर ने विरोध किया तो पलट के बोला, ए टमाटर तू अपनी लाल मत कर। ब्रेकिंग न्यूज, गाजियाबाद के एक फ्रिज में संतरा और अनार बहस कर रहे थे। संतरा बोल रहा था, हम एक ही छिलके में बारह बारह रहते, हमको अलग करो। उस पर अनार भड़का, बोला, साले तू एक छिलके में बारह बारह रहते, हम एक ही छिलके में 300 रहते तो हम क्या। घटिया चैनल लग रहे हैं, वैसे भी 9 बज रहे हैं और मेरे फेवरेट शो का टाइम हो रहा है, कौन बनेगा करोड़पति? एक मिनट मैडम, मैं हूं ना, 1 2 3 4 स्टार। लीजिए आपका स्वागत करता है कौन बनेगा करोड़पति, जोरदार थालियां। ये जो मेरे सामने बैठी है, बैठी है अमृतसर से मिस भारती। तो भारती जी, जी ये रहा पहला सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 25 जून 1971 में जो लड़ाई हुई वो कौन से दिन हुई? यस सर, मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी। प्लीज जाइए, क्योंकि जनता ऑलरेडी जा चुकी है। तुम भी जितना पका रहे हो ना, कम करो वरना ये जनता भी चली जाएगी। अबे ये जनता तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो विशाखा जाएगी। हाँ? राजू जाएगा, कपिल जाएगा, कृष्णा जाएगा, उसके बाद अगर हमारा नंबर लगा तो लगा। सच, हमारा नंबर बाद में फिर? पर आज तो पूछे कि आज हमारे हिस्से में कौन सा नंबर है। हाँ?
सुहेल बता ही दीजिए कौन सा नंबर है इनका. मुझे कौन सा बहुत बढ़िया लगा. द एनर्जी लेवल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑन द होल आई फेल्ट दैट अगर ये एक्ट थोड़ा सा छोटा होता आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर. अर्चना, यू नो सिद्धार्थ और भारती, आप दोनों में वो क्वालिटी है कि आपको एक्ट की वजह से नहीं देखने का मन करता, आपको आपकी वजह से देखने का मन करता है. वंडरफुल, लवेबल, वेरी वॉचेबल. सुनील, आप क्या कहेंगे अपनी फेवरेट भारती के बारे में? आप दोनों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है हमेशा. ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस, स्क्रिप्ट लैगिंग. जावेद, इट वाज वेल अटेम्प्टेड, थैंक यू. सुहेल, मार्क्स 9 points. वाओ. अर्चना 9 points. में राजीव सुगंधा ने दिखाया था रेट्रो का जमाना, जिस पर आज कपिल श्वेता को है अपना अंदाज दिखाना. लेकिन उससे पहले जरूरी है आपको वो एक्ट याद दिलवाना. माँ मैं आ गया. माँ रमेश, माँ मैं तेरी दवा लेके आ गया. माँ बेटा रमेश, तू आ गया बेटा. हाँ माँ, मैं तेरी दवा लेके आ गया. माँ बेटा. हाँ. ये दवा मुझे अब असर नहीं करेगी. माँ तुझे कैसे पता चला कि मैं एक्सपायरी डेट वाली दवा लाया हूँ? माँ कितनी रात हो गई है और मेरा बेटा सुरेश अभी तक नहीं पहुंचा है. क्या पता घर आ ही गया हो, पहले मैं तो घर पहुंचूं. हाय, इतनी रात को एक बूढ़ी औरत को बाहर नहीं रहना चाहिए, बहुत खतरा होता है. अगर कोई बदमाश आ गया तो हाय, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी. अब मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, अब मैं स्टैंड अप नहीं कर सकती. मैं चली घर. चलो जी, आ गई मैं घर. हाय जावेद, हाय सुनील. आई लव ये. देखो इन लौंडों के चक्कर में मैं ये भी भूल गई कि मैं अंधी हूं. सुरेश बेटा, सुरेश. माँ तुझे तो पता मैं तुझे बतलाता नहीं, अंधेरे से डर लगता है. माँ माँ माँ. अबे अंधी के बच्चे इधर दे. अंधी के बच्चे. और बेटा इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं अंधी हूँ, बहरी नहीं हूँ. ये बता तू था कहाँ बेटा? माँ तुझे तो पता है ना माँ, मैं नौकरी की इंटरव्यू के लिए गया था. माँ हाँ बेटा हाँ. माँ अब तुझे दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. माँ सच बेटा सच. हाँ माँ नौकरी मिल गई. नौकरी नहीं मिली माँ, मैं खुद के बर्तन लेके आऊँ, जितने जी चाहे मांज. और माँ अब तुझे कोई जरूरत नहीं है पराए मर्दों के कच्चे सिलने की. माँ अरे कमबख्त, मैं कौन से उनके पहने हुए कच्चे सिलती थी, मैं तो नए कच्चे सिलती थी. क्या नए कच्चे भी फटे आने लगे? माँ चुप कर, पहले ये बता तू इतने सारे बर्तन लाया कहाँ से? कहीं तूने खरीद के तो नहीं लेकर आया? नहीं माँ नहीं. जिसकी माँ इतनी बड़ी चोर हो वो कैसे कोई चीज खरीद सकता है? माँ मुझे आज भी याद है माँ, जब तू कई साल पहले मुझे मंदिर की सीढ़ियों से चुरा कर लाई थी. माँ अरे बेटा चुराने तो मैं चप्पल ही गई थी, लेकिन वहां सिर्फ तू ही चप्पल पहन के बैठा था तो तुझे ही उठा लाई. माँ माँ 15 मिनट की फिल्म निकल गई माँ, लेकिन तुझे खांसी नहीं आई. माँ हाँ शाबाश माँ शाबाश. माँ माँ लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है. माँ हाँ बेटा, वकील को बुला. वकील को नहीं माँ, डॉक्टर को बुलाते हैं. माँ अरे बेवकूफ, डॉक्टर का नाम ही वकील है, डॉक्टर वकील अहमद. माँ वो तो सुबह से 3-4 बार आके जा चुका है. माँ मैंने उसे बोला कि कल आना, माँ की तबीयत खराब है. माँ बेवकूफ, जब किसी की तबीयत खराब होती है तभी डॉक्टर आते हैं. अच्छा तो डॉक्टर तो रोज अपने घर जाता है, वहाँ किसकी तबीयत खराब होती है? माँ डॉक्टर को गोली मार. माँ ये देख मैं कितनी सारी दवाइयाँ लेके आया हूँ. माँ अरे तो कम बखत खा क्यों नहीं लेता? रोज रात को मुझसे ज्यादा तो तू खांसता है. अरे माँ तुम अंधी हो गई, तेरे से आवाज भी पहचानी नहीं जाती. माँ वो खांसी नहीं, मेरे को गैस की प्रॉब्लम है. माँ माँ तू समझती नहीं है. माँ अरे चुप कर, मेरी एक बात सुन ले. क्या बेटा? अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना कि तेरे माँ के गहने जमींदार के पास है.
साले मेरी माँ के गहने उसके पास है, तेरे को क्या झट झट है? तूने मुझे बांधने के लिए अपने गहने गिरवी रखे माँ? अरे नहीं रे, उस रात को भूल गई। इसका मतलब जिम्मेदार ही मेरा? नहीं 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 बेटा, बनवाने के लिए दिए हैं। जिम्मेदार के पास गहने बनवाने के लिए कौन देता है माँ? बेटा ये तो फंसाने वाली बात हो गई। खैर तो जिम्मेदार को छोड़, मैंने तेरे लिए खीर बनाया है बेटा, ये ले खीर खा। लेकिन माँ ये तो सिर्फ चावल है माँ। बेटा हम गरीब हैं, आज चावल खा ले कल दूध पी लेना, परसों खीर बन के अपने आप बाहर आ जाएगा। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा कुछ बताना मुझे, छुपा रही हो माँ? हाँ बेटा मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या माँ? लेकिन रहने दो, तू बहुत थक गया है, बाद में बता। नहीं माँ बता, मैं नहीं थका हूँ। माँ बता। नहीं बेटा तू बहुत थक। माँ बता, मैं नहीं थका हूँ। माँ। नहीं बेटा तू बहुत थक गया। माँ बताती है कि तू कान के नीचे खींच के। माँ मैं नहीं थका हूँ। माँ बता। माँ बेटा तेरी बहन गुड्डी को गुंडे उठा कर ले गए। क्या? माँ मैं थक गया हूँ। माँ माँ कैसा भाई है? वहाँ तेरी बहन को गुंडे उठाकर काली पहाड़ी के पीछे ले गया है और तू डर रहा है? काली पहाड़ी के पीछे? इतनी पुरानी पहाड़ी का गुंडों को कैसे पता चला माँ? हो ना हो उसे गुड्डी ने बताया होगा। तुझे तो पता, गुड्डी को सारे गुप्त रास्ते पता है माँ। और तुझे याद है परसों मैंने चार लोगों से अपने बाप का नाम पूछा, सबसे सही जवाब गुड्डी ने दिया था माँ। क्या? हाँ माँ। क्या? हाँ बता दे बेटा, बता दे कौन है तेरा बाप, बता दे बेटा। याद नहीं आ रहा माँ। अरे याद कर, उस दिन के पैसे अभी भी बाकी हैं, ले लूंगी मैं उससे। बता बेटा बता। शायद शायद रोहन माँ। नहीं 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 ए शायद सोहन। नो मोहन। नो 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 हीरा लाल फगवाड़े वाले माँ। हीरा लाल फगवाड़े वाले माँ। पर मैं तो कभी फगवाड़े गई ही नहीं। तुझे क्या पता माँ, तू तो अंधी है, तुझे क्या पता फगवाड़ा कहाँ मद्रास कहाँ माँ। परसों तो कुत्ते की पूंछ को हाथ लगा के बोल रही थी हीरो होंडा का नया मॉडल आया है माँ। वो तो शुक्र है मौके पर मैं आ गया, अगर तू कल गलती से उसमें तेल डलवा देती तो कुत्ते का घोड़ा बन जाता माँ। और पिताजी की तरह कुत्ते का भी कुछ पता नहीं चलता माँ। अरे तू चुप कर, किन बातों पर लेकर बैठ गया है? बेटा तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए हैं, उसके बारे में सोच। माँ क्या नाम है उस गुंडे का? माँ तल्लू गुंडा। तल्लू वो बड़े डॉलों वाला? हाँ। रहने दे माँ, वो बहुत मारता है माँ। तो फिर पुलिस को फोन क्यों नहीं करता? नहीं माँ पुलिस को फोन नहीं करेंगे माँ, हमें कल्लू के साथ रिलेशन खराब नहीं करने हैं माँ। एक काम करते हैं माँ, कल्लू को अपना जीजा बना लेते हैं माँ। अरे उसे जीजा ही बनना होता तो उसे उठा कर क्यों ले जाता? अब तो एक ही रास्ता बचा है माँ। क्या बेटा क्या? हम खीर खा के सो जाते हैं। और तेरी बहन का क्या होगा? उसके लिए भी थोड़ी सी रख लेंगे माँ, क्या हुआ है? मेरा लाल, इसे कहते हैं भाई, कितनी फिक्र है इसे अपनी बहन की। अरे भगवान, अरे गुड्डी तो यहाँ बैठी। माँ इधर देख, कल्लू भी यहीं बैठा है माँ। कैसे देखूं बेटा, कैसे देखूं, मैं तो अंधी हूँ। तो गुड्डी को कब माइक्रोस्कोप से देखा था माँ? ड्रामे करती है बुढ़िया। ए गुड्डी इधर आ बहन, सुबह से तेरी टेंशन लेके बैठे हैं, जीजा जी से 10-10 नंबर तो दिला, इधर आ गुड्डी। माँ भैया देखते हैं जीजा जी क्या कहते हैं। जीजा जी क्या कहेंगे आप इनके एक्ट के बारे में? मुझसे बोल रही ना? हाँ जीजा जी। जीजा जी भैया। जीजा जी। Yes. Can't you see the mustache? And the muscles. शशि कपूर और शाहरुख खान का जो मिक्सचर है वो आपने परफॉर्मेंस दी है। और उसके बीच में थोड़ा प्रेम किशन। प्रेम किशन भी आ गया। Both of you, आप दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है दैट इज समथिंग दैट इज रियली रियली नोटवर्दी, बिकॉज ये मुश्किल एक्ट था एंड इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्ट फ्रॉम द एक्ट्स दैट यू एवर डन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जावेद यार कपिल, थैंक यू सर, थैंक यू जावेद भाई, बहुत दिनों बाद मुझे इतनी खुल के हंसी आई, जोर जोर से हंसा था, मेरी हंसी मतलब खांसी आ गई थी आपको, खांसी की जब बात कर रहे थे तो। बहुत खास कॉमेडी की आपने और फैंटास्टिक किया, बहुत खास परफॉर्मेंस है आपने। सुनील आप क्या कहेंगे? फॉर बोथ ऑफ देम वाओ, थैंक यू सर, आउटस्टैंडिंग इन वन वर्ड, यू आर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर। कल्लू गुंडे के बाद
बाजू में बैठने वाले आप क्या कहेंगे? एक या दो बार, फिर उसके बाद मैं कब ऐसा हो जाऊंगा। थैंक यू सर। इट इज, आई एम गोना यूज योर वर्ड, माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग। तो अब कुछ फंटास्टिक स्कोर्स भी हो जाए प्लीज। सुहेल, अर्चना, थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना चाहिए मतलब। थैंक यू सर। अर्चना, फॉर दिस परफॉर्मेंस आई थिंक इट्स अ 9 पॉइंट। फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस में कृष्णा ने पहली और सुदेश ने लड़ी आखिरी लड़ाई। अब ये स्क्रिप्ट है राजीव और सुगंधा के हाथ आई, लेकिन बैटलफील्ड पे जाने से पहले कृष्णा सुदेश की जंग की एक झलक देख लेते। मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया सर? 15 बच्चे पैदा किए। क्योंकि देश को फौज की जरूरत है। अच्छा। मैंने फौज के लिए बच्चे पैदा किए। सर आपने फौज के लिए नहीं, आपने मौज के लिए बच्चे पैदा किए। बंदूक ले लिए। चला भी देता है। सबने कहा है कि मैं अच्छा कॉमेडियन हूं, तुम भी कहो। मेरा पैसा लो। खांस रहा हूं, गोलियां नहीं चला रहा हूं। इतना कमजोर हो गया हूं अब तो मैं, स्पंजी रसगुल्ला भी मुझे पीस कर खाना पड़ता है। आप सोचो, कोठे पे जाता हूं, इतना कमजोर हो गया मैं, ऐसे पैसे दे के आ जाता हूं। अल्फा अल्फा है जी। हाँ सर, मैं बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, सुनील शेट्टी साहब सामने बैठे हैं, इस बात का यकीन है कि हम बॉर्डर पे ही हैं। क्योंकि जितनी बार मैंने बॉर्डर फिल्म देखी है, यही उसमें चीख चीख के बोल रहे थे, ये धरती मेरी माँ है। हाँ जी सर, एक बात बताइए सर, उनकी माँ है, हमारा बाप है ये? अच्छा, हमारी भी माँ ही है। अच्छा सर, हम दोनों भाई भाई हैं जी। जावेद जाफरी बैठे हमारे साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे डांसर है जी। छींक, जुकाम, नजला, किसी भी चीज की आवाज पे ये डांस कर लेते हैं जी। राखी सावंत के साथ मैंने खुद देखा है इन्हें जनरेटर पे डांस करते हुए। हाँ जी, नहीं नहीं सर, ये तो अपने गेस्ट दुश्मन है सर, परमानेंट दुश्मन भी बैठे हुए हैं सर। हाँ जी हाँ जी, एक तो वो है सर जो अपनी हंसी की तरंगों से अच्छी वाली मिसाइलों का रुख मोड़ देती है जी। हाँ जी हाँ जी, दुश्मन ने कई बार हम पे मिसाइल फेंकी है सर, लेकिन उसकी हंसी की वजह से युगांडा में जाके गिरी है सर। हंसने के लाखों रंग। लाखों रंग थे तो तुझे मौत पड़ी थी, एक आधा रंग तू भी ले आती। ऐसी ऐसी आर्टिस्ट होती हैं जो अपने रंग की वजह से कलर्स पे काम नहीं कर पाती, और सोनी पे आके अच्छे बड़े आर्टिस्टों का बेड़ा गर्क कर रही होती यहाँ पर आके। तमीज से बात कर, मैं मेजर हूँ। हैं? आर्मी से आई हूँ। आर्मी से आई हो? तू आर्मी से आई है, फिर जितना सुंदर मैं हूँ, मुझे तो फिर किंग फिशर में एयर होस्टेस होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि तुमने ट्रेनिंग ली है ये आर्मी की कोई भी। मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है। मुझे पता है कि जब बंदूक में गोलियां खत्म हो जाएं तो मुंह से भिशुम भिशुम करते रहना चाहिए, ताकि दुश्मन को लगे कि हमारे पास गोलियां हैं। और तुझे लगता है कि दुश्मन इतना बेवकूफ है कि तेरी आवाज मुंह से निकल रही है, इसको से पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं नहीं, आवाज तो मैं और जगह से भी निकाल सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि गोली की आवाज होगी कि नहीं होगी, इस पे मुझे डाउट है। बकवास बनकर, कभी भी यहाँ पर कोई भी लड़ाई हो सकती है, हमला हो सकता है, सावधान रहे। पता भी है, इस उम्र में सावधान नहीं रह सकते, फिर भी सावधान कर रही है मुझे। एक मिनट। अल्फा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। सर सर, मैं बॉर्डर पे हूँ सर जी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, पंजाब। सर गाली क्यों दे रहे हो सर? क्या जंग गुजरात के बॉर्डर पे चल रही है? सर गलती आपकी है जी, बिल्कुल। आपने मुझे परांठे दिए आलू के, मैं समझा पंजाब के जंग हो रही है। आप मुझे फाफड़ा देते, जलेबी देते, मैं समझ जाता है गुजरात के बॉर्डर पे जंग हो रही है। सर इधर कोई दुश्मन नहीं है सर, कोई दुश्मन नहीं है सर। दुश्मन आ रहा है, गोली चल गई है। दुश्मन नहीं है, सोहेल जी गुस्से में गोलियां मार रहे हैं सामने से। सोहेल जी, मैंने तो आपको कुछ कहा है नहीं दोस्त। दोस्त, अब तो फेसबुक पे भी दोस्त बन गए हुए हम लोग। दोस्त सर, योर्स ऑबिडेंटली सिंसियरली राजीव ठाकुर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सोहेल, इनसे दोस्ती करेंगे? पहले तो ये मुझे अच्छा मौका मिला ये कहने के लिए कि मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने मोबाइल पे हूँ। तो पता नहीं, अगर आपकी दोस्ती हुई किसी सोहेल से, वो मैं नहीं हुआ, कोई और होगा वो। हाँ, तो आपकी एक्ट मुझे थोड़ी सी वन डायमेंशन लगी। एज वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, यू ट्राइड योर बेस्ट एंड वट एवर पॉइंट्स आई गिव यू विल बी अकॉर्डिंग टू जस्ट श्योर योर टैलेंट। आई जेन्युइनली फेल्ट दैट द स्क्रिप्ट वॉज नॉट इवन एवरेज, इट वॉज बिलो एवरेज फॉर यू गाइज। या
अर्चना, समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स डोंट वर्क, और हर बार वजह नहीं दी जा सकती कि इस एक्ट ने क्यों काम किया, और वैसे ही वजह नहीं दी जा सकती कि क्यों नहीं काम किया. आप दोनों को कोई दोष नहीं देती, बट द स्क्रिप्ट डिडंट वर्क फॉर यू. अर्चना, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? 7 points. सहेल, मेरा 1 point ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है अतुल को इस पॉइंट से और चिढ़ाएगी. So much, Javed, Sunil, आप लोग आए हमारे शो में. It's great to have you here. All the best for the release of Loot. ये बेमिसाल जोड़ियाँ नई नई themes, नई नई scripts के साथ ऐसे ही आती रहेंगी और आपको बेतहाशा हंसाती रहेंगी. कल भी only on Kohinoor True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर, तबला तोड़.